विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंत। यह करा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की। तो मैंने साथियों अपना RFT कार्ड लेके माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर दी। तो गाइस चेक आउट दिस व्यू कटरा वैष्णो देवी। धीरे 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 चलेंगे तो पहुंच। दुबई से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से बोलो प्रेम से बोलो सारदुगारी में हम लोग पहुंच। सब्सक्राइबर मिलके मेरे को रास्ते में बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, बट ये बहुत खास है क्योंकि ये काफी मेरी वीडियोस पे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। मैं कभी भी कोई ऐसी यात्रा में नहीं गई हूं कि मेरे मन में डर था, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरी माँ आज मेरे पूरे यात्रा पे मेरे साथ आई थी, पर दोबारा इनके साथ ही आएंगे। मुझे लगा ही नहीं कि हमें कोई गाइड के साथ ऊपर जा रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम दोस्त तीनों हैं। रानी के भक्तों, आज की यात्रा हमने कर ली है संपूर्ण, फिर रोड गाइड, फिर हर एक जगह पे हेल्प करना, इवन कॉफी लाके देना, हर एक चीज पे सोमनाथ जी बहुत अच्छे गाइडनेस थी। यात्री समय तो मैं एक आपका ट्रैवल टीचर बन के गया था। मैं चाहूँगा कि इस समय मैं स्टूडेंट हूँ, आप मेरी एक टीचर हैं। इस पूरी ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस में 10 में से कितने अंक जो मुझे दोगे? बिल्कुल 10 में से 10। डेली यात्रा व्लॉग्स के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, सबको जय माता दी। साथियों अपना RFT कार्ड लेके माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर दी है, और ये मेरी यात्रा ताराकोट मार्ग से रहने वाली है। और बात करूं यात्रा के लिहाज से तो आज का मौसम बहुत ही सुहाना है, खूबसूरत है। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर जयकारों की गूंज से चलते हैं माता रानी के इस पवित्र रास्ते ताराकोट वाले मार्ग में। और आप लोग भी बने रहिए मेरी संपूर्ण डिजिटल यात्रा के साथ, आपको मिलेंगी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग माता वैष्णो देवी यात्रा और मौसम से जुड़ी जानकारियां। जय करां शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की। कहीं शीतल हवाएं हैं, भवन के खुशबुओं से मन तेरी आती दुआएं हैं। तो गाइस चेक आउट दिस व्यू कटरा वैष्णो देवी, ब्यूटीफुल होली टाउन्स। जय माता दी, जय माता दी। और ये आ गया ताराकोट मार्ग, इसी रास्ते से आज की। बता दी, इस समय मैं माता वैष्णो देवी के पवित्र रास्ते में हूँ। दुबई से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से कटरा, और कटरा से अब माता वैष्णो देवी की यात्रा में। मैडम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, एकदम पर्सनलाइज सर्विस है। बात ठीक है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सांस फुल है, नहीं तो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। प्लीज़ यूज़। मौसम कैसा लग रहा है? मौसम अच्छा है, शेडेड है, नया रास्ता तो बहुत ही अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अभी देखो ट्रैकिंग कर रहे हैं हम लोग, रास्ते में यात्रा से जुड़ी जानकारियाँ भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, और साथ साथ में इन जो मेरे साथ आज माता वैष्णो देवी के तीर्थ स्थल पर यात्रीगण हैं, इनका कैसी रहती है यात्रा, वो यात्रा का एक्सपीरियंस भी मैं अपने चैनल डेली यात्रा व्लॉग के माध्यम से जरूर शेयर करने का प्रयास करूंगा। एक बार जोर से बोलिए जय करां शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता।
बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, आगे वाले, पीछे वाले। फाइनली गाइस, अर्धकुंवारी में हम लोग पहुंच चुके हैं और 6 किलोमीटर का जो सफ़र है लगभग 2.5 घंटों में हमने कंप्लीट किया है और फर्दर 6 घंटे जो अब प्लेन ही लगे गए माता वैष्णो देवी के दरबार में और होपफुली 2 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे माता वैष्णो देवी के दरबार। जय माता।